कार्तिक आर्यन का दो दो मौंजुलिका से सामना, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन ने कपा दिया रू। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का धमाकेदार ट्रेलर आखिरकार 9 अक्टूबर को रिलीज हो गया। ट्रेलर में विद्या बालन एक बार फिर मौंजुलिका के किरदार में लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं। वहीं रू बाबा के किरदार में कार्तिक आर्यन ने भी अपना जी जान लगा दिया है। पहली बार उनका मौंजुलिका से सामना हुआ है। इस ट्रेलर में माधुरी दीक्षित ने सारी महफिल लूट ली। करीब 3 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर की शुरुआत होती है इस डायलॉग से, रक्त घाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन के लालच से सदियां बीत गईं और इस सिंहासन में झूलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। इसी के साथ विद्या बालन की एंट्री होती है और वो कहती हैं आमी मौंजुलिका। अब कहानी का दूसरा पार्ट जहां कार्तिक आर्यन अपने बिंदास अंदाज में दिख रहे हैं। वो कहते हैं बेवकूफ है दुनिया जो भूतों से डरती है, इन भूतियों का तो फायदा उठाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक आर्यन भूतों के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें तब तक नहीं पता है कि आगे उनका कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही है। और फिर शुरू होती है इतिहास के पन्नों की वो कहानी जिसका जिक्र कहीं नहीं था। अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना अभी बाकी है। इसी के साथ माधुरी दीक्षित मौंजुलिका का रूप लेकर रू बाबा को डरा देती हैं। इसी के साथ विद्या बालन माधुरी दीक्षित अपने डरावने अवतार में दिखती हैं और इनसे सामना करने के लिए आ चुके हैं रू बाबा। अनीस बाजमी की डायरेक्शन में बनी भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में कहानी फिर से उसी कोलकाता के उस हवेली की है जिस पर आत्मा का बुरा साया है। फिल्म में कार्तिक, तृप्ति और विद्या के अलावा राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी कालसेकर भी हैं। बता देते हैं कि मेकर्स ने भूल भुलैया 3 का भव्य ट्रेलर लॉन्च जयपुर में किया है। आपको बताना चाहेंगे कि भूल भुलैया 3 सिनेमाघरों में अगले महीने यानी कि 1 नवम्बर को रिलीज की जाएगी। बॉक्स ऑफिस पर देखना होगा कि फिल्म को जो है क्या रिस्पांस मिलता है। खैर दोस्तों, अब देखते हैं कि ये फिल्म क्या कमाल करती है, क्या ऑडियंस को ये फिल्म लुभा पाती है या नहीं। खैर दोस्तों, आपका सबको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।